अब्दुल अजीज साहब धीर से पूछ रहे हैं कि क्या औरत के लिए जुमेरात या जुम्मा के दिन गुसल करना सुन्नत है? देखें, जुमे के दिन जो गुसल है वो जुमे के दिन की सुन्नत है या वो नमाज जुमा की सुन्नत है, इस बारे में फुकहा के दोनों मौक़िफ़ हैं। बाज़ फुकहा ये फरमाते हैं कि यह जुमे के दिन की सुन्नत है और बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि यह नमाज की सुन्नत है। तो अगर इसको नमाज की सुन्नत करार दिया जाए, नमाज जुमा की, तो फिर चूँकि औरत पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है तो इसलिए उसके लिए गुसल भी मसनून नहीं है। और अगर जुमे के दिन की सुन्नत इसको करार दिया जाए तो फिर औरत पर भी जुमे का दिन आता है तो इसलिए वो भी गुसल करे, उसके लिए भी मसनून है। बाकी जुमेरात की बात जहाँ तक है या जुमे की रात की बात है तो दिन शुरू होता है सुबह सादिक से, तो लिहाजा जुमे के दिन सुबह सादिक के बाद गुसल करना चाहिए। अलबत्ता बाज़ फुकहा ने जैसे शामिया में गालिबन अब्दुल गनी नावलसी रहिमहुल्लाह ताला ने इसमें मज़ीद वसत पैदा की है और वो ये फरमाते हैं कि इस गुसल से असल मकसूद होता है नज़ाफ़त, मैल कुचैल को दूर करना, पसीने की बदबू को दूर करना। तो अगर शदीद गर्मी का मौसम नहीं है और किसी ने जुमेरात को दिन को गुसल कर लिया या जुमे की रात को गुसल कर लिया तो नज़ाफ़त का मकसद हासिल हो गया, तो उसे भी सुन्नत पर अमल करने का इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। सही।